हेलो दोस्तों, आईटी सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम एक डीपी का सोलर लाइट जो बनने के लिए आया है इसको हम आज रिपेयर करेंगे। दोस्तों आपको ज्यादातर यूट्यूब पर जो है इस तरह की जो लाइट है दोस्तों ये बनाकर आपको नहीं दिखाया है। दोस्तों हम इसको जो है बनाकर दिखाएंगे। देखिए ये उसका ऑन ऑफ स्विच है, तो हम जब भी इसको ऑन ऑफ करते हैं देखिए कोई जो लाइट है ये पूरी डेड कंडीशन में है। दोस्तों इसको हम आज रिपेयर करना सीखेंगे। दोस्तों तो चलिए वीडियो को जो है हम शुरू करते हैं। आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे जो टेक्निक जो है दोस्तों ट्रिक जो है लाते रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग से रिलेटेड। हर टाइप की हम वीडियो जो है दोस्तों बनाते हैं, यानी कि जो मोबाइल से रिलेटेड या कोई सा भी जो सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है दोस्तों उसके रिलेटेड हम वीडियो जो है बनाते रहते हैं। दोस्तों देखिए हमने जो लाइट को जो है ओपन कर लिया, इसकी जो पैच है इसको हम साइड कर लेते हैं, और उसके बाद चलिए दोस्तों इसकी जो सर्किट है इसको हम देखते हैं। पहला इसमें भी कोई पैच नहीं लगा है दोस्तों, डायरेक्ट हम इसको जो है निकाल कर देखिए दोस्तों देखते हैं। आपको दिखा पड़ रहा होगा दोस्तों ये जो एक जो रेजिस्टेंस है ये देखिए, ये वाला रजिस्टर जो है ये फूका हुआ है। आपको मैं जूम कर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम पहला जो है बैटरी की जो वोल्टेज है दोस्तों ये हम चेक कर देख लेते हैं कि हमारी जो बैटरी है थोड़ी सी भी चार्ज है या नहीं है। दोस्तों तो मल्टीमीटर को मैंने 20 वोल्ट पर सेट कर लिया, और उसके बाद जो है हम इसकी जो वोल्टेज जो है दोस्तों ये पहला हम चेक करेंगे। ठीक ये दोस्तों इसमें जो है कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। अभी हम करना क्या है दोस्तों, किसी भी प्रकार की आप एक चार्जर ले सकते हैं। चलिए ये हमारा चार्जर है दोस्तों, ये देखिए इसकी जो वोल्टेज भी मैं आपको दिखा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारा वोल्टेज जो है दिखा रहा है, और उसके बाद इसको जो है हम यहाँ पर लगाकर जो है दोस्तों पहले हम एक स्विच को जो है ऑन कर लेते हैं, और उसके बाद इसको जो है बैटरी कनेक्टर पर लगाते हैं, देखते हैं हमारा जो लाइट है ये ग्लो करता है नहीं। देखिए दोस्तों इतना तक हो गया, हमारा जो एलईडी है ये सही है, और हमारा जो सर्किट से जो कनेक्शन वगैरह गया है ये भी सही है दोस्तों। तो हमें करना क्या है, इसकी जो चार्जिंग जो है दोस्तों ये हमें दिखना है। जैसे कि आप देखने देखा दोस्तों हमें जो है इसकी जो चार्जिंग सप्लाई जो है दोस्तों इसको ही हमें जो है रिपेयर करना है। तो चलिए पहला हमें इसको ट्रेस करते हैं दोस्तों, ये जो सर्किट है ये कहाँ से कहाँ गया है। देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक जो पीएफ लगा है दोस्तों इसमें से ये देखिए इस तरह से जाकर देखिए दोस्तों ये आया है इनपुट, और यहाँ से देखिए दोस्तों ये आउटपुट गया है। ये चार डायोड यहाँ पर ब्रिज बना है, देखिए दोस्तों ये चार डायोड जो है ब्रिज बना है, देखिए हो गया दोस्तों। ये दोनों डायोड है और ये दोनों ऐसा है दोस्तों। तो उसके बाद देखिए ये जो ब्रिज रेक्टिफायर जो रेक्टिफाइड हो गए दोस्तों, और जो कैपेसिटर है यहाँ पर, यानी कि इस दोनों पर देखिए दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ी जो सोल्डिंग है ये निकाला है, यानी कि डिसोल्ड हो गया है, यहाँ पर आया है कैपेसिटर पर आता है दोस्तों। और उसके बाद देखिए दोस्तों ये सारे हमारे जो ट्रांजिस्टर है, जो ऑटोकॉट ट्रांजिस्टर है, करंट आने पर जो सप्लाई को ब्लॉक कर लेता है वो ट्रांजिस्टर पर सप्लाई जो है दोस्तों गया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो हम इसको थोड़ा सोल्ड कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इसको जो है हम सोल्ड कर लेते हैं अभी। ये हमारा जो है सोल्डिंग जो है दोस्तों हो गया है। अभी हम इसको जो है सप्लाई पर लगाकर दोस्तों इसकी जो वोल्टेज है हम यहाँ पर कितनी वोल्ट आ रहा है वो हम चेक करेंगे। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा चार्जिंग जो जैक है दोस्तों इसको मैंने लगा लिया, अभी इसको मैं सीरीज सप्लाई पर लगा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारे जो चार्जिंग इंडिकेटर जो है ये शो कर रहा है। देखिए अभी हम इसमें वोल्टेज कितना है वो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट के करीब जो वोल्टेज आ रहा है। अभी हम करेंगे क्या, ये जो
बैटरी है दोस्तों, यहाँ पर हम जो है वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी जो वोल्टेज है ये आ रहा है। थोड़ी देर लगाकर हम रखेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद मैं आपको दिखलाता हूँ। चलिए दोस्तों, इसकी जो कॉर्ड है मैं इसको हटा लेता हूँ। तो इसने जो कस्टमर ने फॉल्ट बताया दोस्तों, ये अच्छे से नहीं बताया था। इसमें जो है बैटरी बैकअप का प्रॉब्लम है दोस्तों, ये इसमें जो बैटरी बैकअप वो नहीं दे रहा है दोस्तों। देखिए, मैं जैसे ही इसको जो है ग्लो करता हूँ, देखिए तुरंत ही ये दोस्तों डाउन हो जाता है, यानी कि इसमें जो बैटरी है ये खराब है दोस्तों। जो बैटरी अगर लोड ना ले दोस्तों, तो हमारे ये वाला जो रजिस्टर है दोस्तों ये उड़ जाता है। इसको आप ना भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट इसकी जो बैटरी है इसको चेंज कर लिए दोस्तों। अगर बैटरी आपको चेंज करना है दोस्तों, तो और एक बात दोस्तों, आपका अगर ये जो ट्रांजिस्टर जो आप देख रहे हैं, ये कभी कभार भी खराब होता है दोस्तों, जब भी हमारा बैटरी जो खराब होता है। तो देखिए दोस्तों, ये तो बैटरी तो पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है, हमारा जो है बैकअप नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, और कुछ को हम चेंज नहीं करेंगे दोस्तों, बस दो बैटरी जो है दोस्तों इसको हम चेक कर सॉरी जो चेंज कर दो दोस्तों कस्टमर को, इसको जो है हम प्रोवाइड कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए, आज के लिए इतना है दोस्तों। आपको इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, और ऐसे ही जो वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो है दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। और देखिए, इसमें अगर और कुछ फॉल्ट आता है दोस्तों, तो हम जरूर बताएंगे। इस तरह की जो लाइट है दोस्तों, उसमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।